स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए हम जिस भी ब्रोकर के ट्रेडिंग एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं उसके ट्रेडिंग एप्लीकेशन में ट्रेडिंग सपोर्टिंग टूल्स यदि बेहतर ना हो तो ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस फीका पड़ जाता है। इसलिए हम आपके लिए चुनिंदा ब्रोकर्स के ट्रेडिंग एप्लीकेशन का डेमो व रिव्यू लेकर आते रहते हैं जिससे कि आपको बढ़िया ब्रोकर चुनने में मदद मिले। आज हम आपके लिए रेलिगियर ब्रोकिंग के मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशन डायनेमी का डेमो लेकर आया हूँ। इस एप्लीकेशन में क्या क्या खास है या कौन कौन से ट्रेडिंग सपोर्टिंग टूल्स है इसकी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो चलिए रेलिगियर ब्रोकिंग का डायनेमी मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशन ओपन करते हैं। फर्स्ट टाइम ओपन करने पर आपको लॉगिन के लिए यूज़र आईडी, पासवर्ड, पैन या डेट ऑफ बर्थ में से कोई एक डाल के लॉगिन करना है। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। इस एप्लीकेशन में टू फैक्टर लॉगिन रहता है। फर्स्ट टाइम आप यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, सेकंड फैक्टर में एम पिन से। तो आप एम पिन पहले सेट कर लीजिएगा और उसके बाद जब भी आप लॉगिन कीजिएगा तो आपसे एम पिन ही मांगेगा। इस एप्लीकेशन का होम पेज आपके सामने है। इस एप्लीकेशन में कोई भी स्टॉक सर्च करने के लिए टॉप राइट साइड में सर्च का बटन है, उसके बगल में नोटिफिकेशन का बटन है, टॉप पे लेफ्ट साइड में मेनू का बटन है, यहाँ पे आप क्लिक करके इसे एक्सपेंड कर सकते हैं और आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे ट्रेडिंग से रिलेटेड, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपको इंडेक्स बाय डिफॉल्ट सेट रहता है, इसमें निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, गोल्ड, क्रूड ऑयल और यूएसडी आईएनआर रहते हैं। उसके नीचे आपको मार्केट आउटलुक मिलेगा। मार्केट आउटलुक में आपको मार्केट से रिलेटेड अपडेट मिलते हैं। मेनली यहाँ पे 3 अपडेट डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। एक रहता है प्री मार्केट अलर्ट, एक रहता है मिड मार्केट अलर्ट और तीसरा रहता है पोस्ट मार्केट अलर्ट। इसके नीचे रहता है सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस, यहाँ पे क्लिक करके आप सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस NSE या BSE की चेक कर सकते हैं। आप चाहे तो एक्सपेंड करके भी आप इसे देख सकते हैं कि सेक्टर में क्या परफॉर्मेंस है। एक दिन से लेके एक साल तक का परफॉर्मेंस आपको यहाँ से मिल जाएगा। रिटर्न होम पेज पे आते हैं और नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स है ग्लोबल मार्केट्स का। यहाँ पे आप ग्लोबल मार्केट्स का जो भी परफॉर्मेंस है देख सकते हैं, लाइव रहता है। रिटर्न फिर से हम होम पेज पे आते हैं। यहाँ पे लास्ट जो डायलॉग बॉक्स है वो है वर्ल्ड आर इकोनॉमिक न्यूज़ का। यहाँ पे आपको वो सारी न्यूज़ मिलेगी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक से रिलेटेड रहते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी तक हम ओवरव्यू सेगमेंट के सारे ऑप्शन और डायलॉग बॉक्स देख रहे थे। अब इक्विटी बटन पे क्लिक करके यहाँ पे देखते हैं तो सबसे ऊपर इंडिसेस सेट रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। आप चाहें तो इसमें इंडिसेस जोड़ भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। मार्केट मूवर सेगमेंट आपको अलग अलग स्टॉक को शॉर्ट करने के लिए ऑप्शन देता है। यहाँ पे आप टॉप 10 गेनर स्टॉक जो है वो देख सकते हैं, टॉप 10 लूजर स्टॉक देख सकते हैं, मोस्ट एक्टिव जो स्टॉक हैं उनको देख सकते हैं, यानी कि अलग अलग स्टॉक को स्क्रीन करने का ये ऑप्शन है। हॉट परस्यूट के इस सेगमेंट में आपको स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ या अपडेट मिलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हीट मैप, एक प्रकार का स्केल है। यहाँ पे आपको -5% लूजर से लेके +5% गेनर तक के बीच के जो भी स्टॉक होंगे आप डायरेक्ट उन्हें स्क्रीन आउट कर सकते हैं। FII या DII एक्टिविटी में आपको विदेशी निवेश या डोमेस्टिक निवेश की जो जानकारी रहती है डायरेक्ट यहां से आपको मिल जाती है। इसके बाद नीचे आपको बल्क एंड ब्लॉक डील से रिलेटेड न्यूज़ या अपडेट आपको मिल जाएंगे, किस शेयर में कितना ब्लॉक डील हुआ है। उसके नीचे इन द न्यूज़ में आपको पूरे जो सेक्टर की न्यूज़ रहती है, स्टॉक की न्यूज़ रहती है, A to Z न्यूज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कॉर्पोरेट एक्शन में आपको किसी कंपनी में कब डिविडेंड मिलने वाला है या किस कंपनी में कब बोनस मिलने वाला है या स्प्लिट या राइट से रिलेटेड A to Z जानकारी आपको कॉर्पोरेट एक्शन में मिलता है। और सबसे लास्ट में आपको कॉर्पोरेट रिजल्ट सेक्शन रहता है, यहाँ पे क्लिक करके आप किसी भी कंपनी का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। टॉप लेफ्ट साइड में मेनू बटन दिया है, इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे ऊपर में आपका यूजर नेम और यूजर आईडी आपका शो होगा। यहाँ पे आप अपने
प्रोफाइल में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। उसके नीचे आपका मार्केट है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो बाई डिफ़ॉल्ट जो होम पेज रहता है उस पर आपको शो होगा। इसके नीचे वॉच लिस्ट है, वॉच लिस्ट में यदि आप कोई स्टॉक सेट किए हुए हैं डाले हुए हैं तो आपको वॉच लिस्ट में मिलेगा। यदि कोई आप स्टॉक वॉच लिस्ट में डालना चाहते हैं तो स्टॉक सर्च करने के बाद में ऑप्शन आता है वॉच लिस्ट में, आप उसे ऐड कर पाएंगे। इसके नीचे है इन्वेस्ट इन ETF, यदि आप ETF में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये एक नया सेगमेंट इसमें जोड़ा गया है, यहाँ से आप ETF में निवेश कर सकते हैं। उसके नीचे है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में आप जो भी ऑर्डर डाले होंगे किसी भी स्टॉक में वो ऑर्डर हिट हुआ या नहीं हुआ उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको ट्रेडिंग में मिल जाएंगे। उसके नीचे है होल्डिंग या पोजीशन, तो यदि आप कोई स्टॉक पहले से लेकर रखे हुए हैं तो आपको होल्डिंग में शो होगा। यदि कोई स्टॉक या यदि आज के आज आपने बाई किया हुआ है तो उसमें क्या पोजीशन है लॉस या प्रॉफिट का, वो आपको पोजीशन में शो होगा। उसके नीचे बैक ऑफिस रिपोर्ट है, यहाँ पे क्लिक करके अपने पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक है उसे आप वॉच कर सकते हैं और जो भी रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं प्रीवियस का वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फंड यदि आप डालना चाह रहे हैं तो मैनेज फंड पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ आपके अकाउंट में जो भी पैसा होगा आप निकाल भी सकते हैं और डाल भी सकते हैं। तो उसके नीचे सेट अलर्ट पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो आप किसी भी स्टॉक की प्राइस मूवमेंट पे कोई अलर्ट आप सेट कर सकते हैं। रिसर्च के ऑप्शन में आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट आइडिया या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप अलग अलग शेयरों में बाई कॉल होल्डिंग का पोजीशन का या फिर इंट्राडे का चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमेशा अपडेट होते रहता है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है। उसके नीचे IPO का सेक्शन है, IPO के सेक्शन पे यदि आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे करेंट में जो IPO होंगे वो शो होंगे या अपकमिंग जो IPO आने वाले होंगे उसके बारे में मिलेगा या फिर कोई लिस्टेड होने वाला IPO है, मतलब IPO से A to Z रिलेटेड न्यूज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। IPO सब्सक्राइब भी यहाँ से कर सकते हैं। बॉन्ड में निवेश करना चाहते हैं गोल्ड बॉन्ड में तो भी आप यहाँ से गोल्ड में डाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए ये नया सेगमेंट यहाँ पे जोड़ा गया है, म्यूचुअल फंड पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो ये एक अदर अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आपसे बोला जाता है जो कि रेलिगेयर ब्रोकिंग का ही है। तो यदि म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके नीचे रेटस का है और सबसे लास्ट में फीडबैक का बटन है। अब कोई भी शेयर यदि आप बाई करना चाहते हैं तो उसे सर्च बॉक्स में जाके उसे सर्च कर लीजिएगा, जैसे कि SBIN हमको बाई करना है तो उसे सर्च करेंगे, उसके बाद में सेलेक्ट करेंगे NSE या BSE, उसके बाद में इसका फंडामेंटल कुछ स्टेटस हम देख सकते हैं। सबसे ऊपर में आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, NSE या BSE आप सेलेक्ट कर सकते हैं, किस पे आपको लेना है चार्ट है, चार्ट पे क्लिक करके आप इसे और एक्सपेंड कर सकते हैं। और ओवरव्यू है, यहाँ पे आपको ओपन प्रीवियस डे हाई 52 वीक हाई लो और अपर क्लिक लोअर क्लिक है, मार्केट डेप्ट है, इस स्टॉक से रिलेटेड जो भी न्यूज है वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ है। सबसे नीचे आप देखिएगा इसे यदि आप वॉच लिस्ट में डालना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे, बाई करना चाहते हैं बाई करेंगे, सेल करना चाहते हैं सेल करेंगे या फिर अलर्ट करेंगे। तो हम बाई पे जब क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट क्वालिटी में डिलीवरी मार्जिन और ट्रेड स्मार्ट ये तीन ऑप्शन आते हैं। ऑर्डर आप लिमिट रख सकते हैं, मार्केट ऑर्डर रख सकते हैं, क्वांटिटी आप चूज कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आप पुट कर सकते हैं, वैलिडिटी है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर की फैसिलिटी भी है। तो ये रह गया आपका बाई ऑर्डर करने के लिए ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूँ रेलियर डायनेमिक के मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का डेमो आपको समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई होगी तो शेयर ज़रूर करें और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।